हेलो दोस्तों, मैं हूं इंडियन स्पोर्ट्स गेमर और स्वागत है आपका फीफा 20 के वोल्टा स्टोरी करियर मोड पार्ट 13 में। मैंने बोला वोल्टा स्टोरी करियर मोड, मुझे माफ़ करिएगा, वोल्टा स्टोरी वॉक थ्रू पार्ट 13 में। और पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा कि रियल मैड्रिड को 11-10 हराया। और देखो, पहले दो मैचेस इतने ईजी थे, थर्ड मैच इतना डिफिकल्ट था, फाइनल क्या होने वाला है पता नहीं। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और यहाँ पे आ गए हैं सादियो माने और वर्जिल वैन डाइक चले गए, तो डिफेंस की लगने वाली है, साला डिफेंस करेंगे। और देखते सामने कौन आता है। एक तो वैन गिलिस जो अपने साथ झगड़ा कर रहा है वो होगा, और दूसरा कौन होगा देखते हैं। नेमार होगा, एम्बापे पता नहीं। यहाँ पे प्रो स्ट्रीट फुटबॉल और न्यूयॉर्क सिटी में लिवरपूल वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन, एंजेल डी मारिया और नेमार है, या फिर एंजेल डी मारिया, नेमार और वैन गिलिस। देखो नेमार बैकग्राउंड में और ये ब्यूटीफुल पेरिस सेंट जर्मेन का लोगो। मैच को शुरू करते हैं साड़ियों में, तो अपना अटैक तो अभी सॉर्टेड है। और यही देखो, इमीडिएट पहला गोल हो गया लिवरपूल, और माने का लिंकअप भी बढ़िया है, तो इमीडिएटली पहला गोल कर दिया। और दूसरा गोल यहाँ पे क्या हो सकता है। ओ साला का बढ़िया टैकल यहाँ पे, और बढ़िया क्या बोल सकते, बढ़िया सेव बोल सकते हैं। माने दूर से गोल करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया, पास किया यहाँ पे। मेडल लेजेंड क्या लिंकअप कर सकते हैं साडियो माने के साथ। जी हाँ कर सकते हैं, और एक बढ़िया गोल और असिस्ट माने ने आके दो गोल मार दिए हैं। और इम्पोर्टेंट लीड ले लिया, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले मैच में लीड बहुत मायने रखता है, कम बैक विक्ट्रीज आर नेवर ईजी। तो नेमार दूर से शूट करने गए और बीट भी किया साला को, पर गोल नहीं मार पाए। साला भी दूर से कोशिश कर रहे थे, नहीं मार पाए। माने का बहुत ही बढ़िया टैकल, और साला कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, उनका थोड़ा स्किल्स दिखा तो है। बॉल छूट गया, मेडल लेजेंड है, दूर से शॉट मारा, गोल नहीं मार पाए। पर क्या असिस्ट कर पाएंगे। जी हाँ असिस्ट कर पाएंगे, साला ओपन थे वहाँ पे, और बढ़िया, ये देखो पूरे ओपन थे, कोई चांस नहीं था। और पास भी इतना बढ़िया था मेडल लेजेंड का, कट टू कट गया, और साला को सिर्फ टैप इन करना था। 3-0 से ऑलरेडी लीड, और वैन गिलिस का तो पचका हो गया है। पहला गोल हो जाएगा यहाँ पे मेडल लेजेंड, नहीं साला की गलती, साला आगे आ गए और इजी हो गया वहाँ पे नेमार को गोल मारना। तो नेमार जूनियर का पहला गोल, और यहाँ पे माने नहीं मार पाए, मारना चाहिए था, यहाँ पे गोल होना चाहिए था, अपॉर्चुनिटी था। और नेमार स्किल्स दिखा रहे थे, साला ने इंटरप्ट किया, और ये एंजेल डी मारिया के पैर के बीच में से गोल मारा है। 4-1 से लीड कर रहा है लिवरपूल, और यहाँ पे कोश नेमार बहुत सारे स्किल्स दिखाते हुए, पर अभी तो एक ही गोल नाम पे। माने क्या टैकल किया है, पर फाउल होगा। और माने सर्टनली फिजिकलिटी लाया है लिवरपूल के लिए, जो पिछले मैच में नहीं दिखा था। वैन डाइक जरूर थोड़े थे, पर तो भी इतने फिजिकल नहीं थे जितने माने हुए। और यहाँ पे अच्छा पास, ओपन है, पास किया माने मिस किया, पर फिर गोल मारा, और कोई आइडिया नहीं था। साला का इतना अच्छा रन था, सब साला के पीछे पड़ गए, और बाजू में माने ओपन थे, और यहाँ पे गलती वैन गिलिस की, उन्होंने माने को छोड़ दिया, गोल मारा माने ने। तो बहुत ही इजी ये हुआ है। सोचो रियल मैड्रिड का मैच अगर फाइनल होता तो, और फैंस के बारे में भी सोचो कि वो अगर आए होंगे और उनको लगा होगा कि अरे फाइनल में ज़बरदस्त मैच देखने मिलेगा, तो वहाँ पे भी पचका हुआ है। और वीक फुट से फिनिश किया यहाँ पे 6-1 स्कोर। ये देखो आगे लिखे गए, और फिर एंगल से गोल मारा एंजेल डी मारिया के अगेंस्ट 6-1। और फर्स्ट हाफ खत्म होने को और भी समय बाकी, अच्छा पास, ये गोल होगा,
ये गोल होगा। और अच्छा गोल मारा, जिधर तारीफ करनी चाहिए उधर करनी चाहिए। वैन गिलिस ने ये देखो समय लिया उसका और फिर साला को पूरा चकमा दे दिया। पास मेडन लेजेंड को, मेडन लेजेंड देख रहे हैं किसको लिंक अप कर सकते हैं और नहीं कर पाए, पर यहाँ पे बॉल स्टील कर लिया है और गोल मार दिया है। एक सेकंड के लगा गोल नहीं गया अंदर। 7-2 स्कोर हुआ है और ये क्या स्टील किया है यहाँ पे मेडन लेजेंड ने, और पकवा शॉट मारा। ओपन थे, मैं एक्चुअली लो शॉट मारने गया और हाई चला गया वो, पर कोई बात नहीं, काउंटर अटैक पे गोल मार दिया। ये देखो बढ़िया गोल। और पहला हाफ खत्म हुआ है यहाँ पे और लिवरपूल ने ऑलमोस्ट मैच जीत लिया है। 8-2 से लीड कर रहे हैं लिवरपूल। सदिया माने फिर से इंटरसेप्शन, बहुत ही बढ़िया। और क्या गोल मारा है, बढ़िया गोल यहाँ पे माने के हाथ से। देखो हेडर जीत लिया और फिर से दूर से गोल। और आई थिंक पेरिस का भी, पेरिस सेंट जर्मन का भी वही प्रॉब्लम है कि उनके कोई डिफेंडर नहीं है, सब अटैकर्स ही है, तो डिफेंस बहुत ही वीक हो गया है। वैन गिलिस थोड़े विन डीजल जैसे दिखते हैं, नाम भी वैन गिलिस तो थोड़ा विन डीजल जैसा ज़रूर है। माने का बहुत ही बढ़िया रन पर बॉल ले लिया, 9th स्कोर है, तो अभी तक ऐसे बोल नहीं सकते कि जीत कंफर्म है। कम बैक कर सकते हैं तो लिवरपूल को और एक दो गोल तो मारने पड़ेंगे। और मेडन लेजेंड आ गए वहाँ पे, पास किया माने को, माने शूट किया दूर से पर गोल नहीं मार पाए। यहाँ पे फिर से एक बार माने और अच्छा पास किया मारिया को, इसका मतलब 9-4 स्कोर हुआ है। मार्किनो से, वो कब से मैं मारिया मारिया बोल रहा हूँ, पर वो मार्किनो से, मुझे लगा एनहेल डी मारिया है, मेरा ही पचका हुआ। और क्या गोल मारा, दो डिफेंडर्स थे वहाँ पे गोल रोकने के लिए। बढ़िया फिनिश मेडन लेजेंड का। तो मार्किनोस तो अच्छे डिफेंडर है, तो पता नहीं उनका डिफेंस इतना घटिया क्यों हो रहा था। और ये माने ने इजी गोल मारा। लिवरपूल यहाँ पे अभी सिर्फ समय ख़त्म करने की बाकी, कंफर्मेशन के लिए कि लिवरपूल जीत गई है। पास किया माने, फिर से एक बार कोशिश करते इंटरप्ट करने की, नहीं कर पाए और ये ओपन कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है, जब अभी हमें प्लेयर चेंज करें तो L1 दबाते हैं, तो L1 दबाने से मुझे लगा था यहाँ पे मैं साला को कंट्रोल, नहीं मुझे माने को कंट्रोल करना था, पर साला कंट्रोल हो गए और इसलिए वो बाजू में जाके खड़े रह गए और इजी गोल हो गया। और अच्छा पास दिया था पर अच्छा ब्लॉक भी किया। यहाँ पे नेमार को चांस, पर साला आ गए तभी, और अच्छा ब्लॉक भी किया पर वापस बॉल नहीं जीत पाए, पर माने जीत पाए। और ये अच्छा पास साला को, और साला ने फिनिश किया है। और मेडल लेन को ज़्यादा स्कोप भी नहीं मिल रहा है अभी तक। साला और माने का केमिस्ट्री इतना बढ़िया है कि वो दोनों ही मैच को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे लग रहा है कि ये मैच, पहले दो मैच यानी कि सिटी और बोरुशिया मैच, डोर्टमंड के मैच से भी इजी था। और यहाँ पे चांस मेडल लेजेंड को अभी, और जी हाँ उसने भी गोल मारा है। और फनी सेलिब्रेशन, आप जब 13 गोल मारते हो तब फनी सेलिब्रेशन करने का हक आपके पास ज़रूर है। और जो वैन गिलिस है उनका तो पूरा बोलती बंद होना चाहिए इसके बाद, मतलब इससे गंदा हार कुछ हो नहीं सकता। 14-5 स्कोर है फाइनल में।
माने फिर से एक बार कोशिश कर रहे थे, और ये अच्छा ब्लॉक, माने फिर से आगे है, नहीं गोल मार पाए, और इसका मतलब नेमार रिटर्न पे गोल मार सकते हैं और ज़्यादा स्किल्स करने में टाइम कमाया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टैकल करके गोल होने से रोका। क्या पास दिया है पर फिनिश नहीं कर पाया मेडन लेजेंड, माने का बढ़िया पास, साला बॉल नहीं जीत पाए, और यहाँ पे फाउल था तो फ्री किक मिलेगा, और सिर्फ 10 सेकेंड बाकी है यहाँ पे आखिरी, और एक गोल मार दिया है पेरिस सेंट जर्मन ने, तो 14-6 स्कोर हुआ है, पर तो भी बहुत दूर है अभी उनके लिए कम बैक करना, और नामुमकिन ही है ऑलमोस्ट। और साला एक गोल करने की कोशिश, यहाँ पे चांस है, मेडल लेजेंड ने दूर से शॉट मारा और गोल भी मार दिया है, 1 सेकेंड बाकी था मैच खत्म होने को, क्या बढ़िया गोल मारा है, और मेडल लेजेंड का फिनिशिंग बेहतर होता ही जा रहा है हर मैच के बाद, और इसका मतलब लिवरपूल और मेडल लेजेंड ने NYC प्रो स्ट्रीट इन्विटेशनल कॉम्पिटिशन जीत लिया है। ये देखो ये कंफर्मेशन 3 vs 3 रश, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग ने 5 vs 5 ले दिया होता तो अगर क्या यही टूर्नामेंट आती या कोई और टूर्नामेंट आती, मुझे पता नहीं, पर यहाँ पे मेडन लेजेंड उनके स्किल्स दिखाते हुए थोड़े, और एडिडास का बॉल, और यहाँ पे बढ़िया पोज देते हुए मेडन लेजेंड, उनके थोड़े गोल, सर ये देखो क्या एंगल लेके बढ़िया फिनिश किया, और मैच रिपोर्ट में देखते हैं कितना रेटिंग मिलेगा, 9.8 अभी भी 10 का 10 रेटिंग नहीं मिल पाया, 75.35 हो गया अभी, और 1676 स्कॉर्ड, और सेमी प्रो नहीं भाई, मैं प्रोफेशनल पे खेल रहा था, पता नहीं वो मैसेज क्यों आया, डिफ़िकल्टी प्रोफेशनल थी, अगर आप मैच चालू होने के पहले भी देख सकते हो ऊपर लिख के आता है प्रोफेशनल, तो देखते हैं अभी क्या कट से आता है, अभी इधर से किधर जाएंगे, द स्ट्रीट किंग एंड विनर ऑफ द न्यूयॉर्क प्रो स्ट्रीट टूर्नामेंट मॉडर्न लेजेंड। Must be feeling pretty awesome, dude. Yeah, you know, it feels okay. Now we are taking over, fam. Word, man. Oh, Van Gils. How are you, Van Gils? Vin Diesel. What's that, come again? और मेरा रिस्पेक्ट इजी के बदले बहुत ही बढ़ गया है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, गुड जॉब, यू लुक गुड आउट देयर, ऑलरेडी हमें एक बार हरा दिया है उसने रियो में, और जे से कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ग्रेट जॉब टुडे, ओह माय गॉड टू ब्रो, हे पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट यू एट द वर्ल्ड ब्यूनस आयरस, विन दैट कुड ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू, बिलीव मी, for sure man, for sure, but you know what, we got a lot of work to do before then, you know, Jay's coming back from injury, the team together again, you know, we got to work hard, we got a plan, we got to train, you know what I'm saying, great, with that mentality maybe I see you in the pro soon. Oh, oh. Bro, likewise, see it, boom, bye. तो जेजिनो का कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि अरे उसको कॉल कर, उसको कॉल कर, पर वो हमें क्यों कॉल नहीं कर रहा, पहले तक तो हमें कॉल कर रहा था, तो स्टोरी को कंटिन्यू करते देखते आगे क्या गड़बड़ है जेजिनो के साथ, आई होप अभी ये सीन में हमें पता चले कि क्या झोल है। यहाँ पे वापस हम वही वेयर हाउस में आए जहाँ पे हम लोग ने शुरू किया था गेम, J10 का वेयर हाउस, जेजिनो का वेयर हाउस, और जेजिनो ये देखो पूरे फिट हो गए, यस जे लुकिंग गुड, वेयर इज द कैमरा क्रू, हे होल स्क्वाड्स नियरली हियर रेडी टू ट्रेन, या हाउ वाज न्यूयॉर्क, इट वाज सिक, आई विश यू बीन इट, यू नो आई एम जस्ट स्टैंडिंग देयर माय बैग इन हैंड वेटिंग फॉर माय राइड टू द एयरपोर्ट एंड आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम बी, tell me I've been replaced. What? Isko kaun replace karega? What I did wrong.
I get a call from. Kills. Finn Kills. That's a real friend. I would have found out anyway. It's all over your channel because you can't help yourselves. I got into it with Ed, telling him I wanted to start up this team. This generation ain't got no respect, Jay. They think they can post a few clips and take everything we've worked our whole lives to build. And I argued with him. Jay-Z no bahut hi gussa hai yahan pe. I just wanted to believe that all that online stuff, that it was just good PR and you were a player first. Yeah, I'm a player first. You embarrassed me. Online video se bahut problem hai. My friends on camera, how did you think I was going to react? No, that's not how it went down, Jay. How did it go down, Rev? And New York came out of nowhere. B, she never told me who I was replacing. You think that I would have taken your spot if I'd have known? So basically, you gotta earn respect, learn to pay your dues. What do you know about me? Man, enough to know that it is all about you. Oh, oh. Me? Yo, we've been traveling the world, grinding it out, rebuilding this team for you, Jay. For you. For you, Jay. We did it for you. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या हुआ यहाँ पे अगर आपने मिस आउट किया होगा तो And the team's here. They're ready to train. All right, so let's just figure this out later, yeah? वॉइस एक्टिंग अच्छी है ये पक्का बोल सकता हूँ Enjoy yourself in Buenos Aires. तो जेजिनो अपने साथ नहीं आ रहा है तो बेसिकली जेजिनो और मेडन लेजेंड के बीच फाइट हुआ और जेजिनो का प्रॉब्लम है कि ऐसे लग रहा है कि उसका प्रॉब्लम ऑनलाइन वीडियोस के बारे में उसको लगता है कि वो सब शो ऑफ है और मेन गेम तो एक्चुअल जो खेला जाता है वो है पर आई थिंक उसका ईगो हर्ट हुआ क्योंकि वो जो न्यूयॉर्क का टूर्नामेंट था लेजेंड्स टूर्नामेंट वहाँ पर फिफ्थ लेजेंड वो था और एंड में उसको कॉल आया कि नहीं उसको रिप्लेस कर दिया और वो रिप्लेसमेंट हम थे हमें वो पता ही नहीं था कि हम लोग ने उस हमने उसको रिप्लेस किया अगर पता होता तो हम लोग ना बोलते और इसके लिए उसको ईगो हर्ट हुआ और इसलिए अभी वो बोल रहा है कि टीम ख़त्म मैं जा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि वो शायद खुद का टीम लेके आएगा ऐसा मुझे लग रहा है और शायद अपना फाइनल ओपोनेंट जेजिनो होगा उसका पूरा नाम है जेसन क्वेस्दा आप देख सकते हो यहाँ पे प्योनोस एलिस होस्टिंग द वोल्टा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स पुट द स्टेडियम ऑन द मैप यू विल फाइंड अ प्रोफेशनल एटमॉस्फियर एंड प्ले थ्रू वोल्टा सो यू टू गेन एक्सेस नॉकआउट टूर्नामेंट होगा स्टैंडर्ड मैच टाइप और 5 vs 5 मैच होगा तो प्रॉपर मैच है और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आखिरी डेस्टिनेशन है पहले से टारगेट था चैम्पियनशिप जीतना हम चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई हो गए इनविटेशन आ गए और अभी हम ट्रैवल करेंगे चैम्पियनशिप के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करें हम ये वोल्टा स्टोरी वॉक थ्रू के एंड पार्ट्स में तो अभी थोड़े ही पार्ट बाकी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि जेजिनो ऐसे अपने को धोखा देगा कि आपको अनएक्सपेक्टेड था शॉक लगा तो अगले पार्ट में हम जाएंगे ब्यूनोस आयर्स में और खेलेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप तब तक के लिए मैं हूँ इंडियन स्पोर्ट्स गेमर शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने पर